प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बगैर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नहीं होगा निकाय चुनाव। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी अफसर उर्फ इसरार खान को किया गिरफ्तार। बरेली में मुस्लिम युवती ने प्रेम के चलते गिराई धर्म की दीवार, हिंदू युवक से शादी करने के लिए अमरीना राधिका बन गई। नामपुर के रहने वाले पप्पू नाम के युवक से की शादी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क किनारे बिमल्टी स्टॉल पर खड़े होकर ली चाय की चुस्की, चाय वाले को दिए 1,000 रुपए। महुआ में पीएम मोदी की मां के सेहतमंद होने के लिए मंदिर में हुआ हवन, पूजा मजार में हुई दुआ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और मुस्लिम लोगों ने की इबादत। अर्जेंटीना से आगरा ताजमहल देखने आए पर्यटक में कोरोना की जांच के बाद कोरोना की पुष्टि, पर्यटक ने मोबाइल किया बंद, स्वास्थ्य विभाग तलाश में जुटा। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुल 286 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, 19 मुस्लिम जोड़ों को काजी ने कराया निकाह। संतकबीर नगर में कल सभी परिषदीय स्कूलों में रहेगा अवकाश, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बीएसए ने किया अवकाश घोषित। गोरखपुर में फर्जी खाता खोलने वाला जनसेवा केंद्र का संचालक पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी में दो लुटेरों के द्वारा महिला के गले से मंगलसूत्र, लॉकेट, झुमकी की लूट करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने सामान, तमंचा, कारतूस सहित किया गिरफ्तार। रामपुर डीसीडीएफ की जमीन पर बना है भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश कार्यालय, कब्जे हटाने को लेकर किसानों प्रशासन में तीखी नोक झोंक, सिविल लाइन क्षेत्र का पूरा मामला। कानपुर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने उठाया खतरनाक कदम, हाई टेंशन लाइन के पोल को बनाया अपना आशियाना, अकबरपुर तहसील क्षेत्र के खान चंद्रपुर गाँव का पूरा मामला। ललितपुर में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी की, पूरा मामला सदर कोतवाली के सिंचाई विभाग के गेट का है। आगरा में ताजमहल की टिकट विंडो पर पर्यटकों को टिकट न मिलने की वजह से पर्यटकों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर देहात में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सपा पर बोला हमला, कहा ओबीसी एससी आरक्षण बीजेपी की मुहिम, सपा की नहीं। आगरा में जीआरपी कर्मचारी एवं अधिकारियों की निगरानी के लिए तैयार किया गया ऐप, अधिकारियों के साथ साथ अपराधों पर भी लगेगी लगाम। बिजनौर के थाना बड़ापुर चंपतपुर चकला में सिख समाज के युवक को जबरन ईसाई बनाने के लिए उतारी गई उसकी पगड़ी, काटे गए बाल, हिंदू जागरण मंच और सिख समाज में भारी रोष। हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की सीमाओं से घिरे सहारनपुर जिले में अब अवैध शराब और खनन पर निगरानी के लिए हवाई कैमरों का किया जाएगा उपयोग। महुआ के सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाए जाने का वीडियो आया सामने, पढ़ाई से पहले बच्चों से कराई जाती है स्कूल की सफाई, दमोरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला। हरदोई जिले में एसपी राजेश द्विवेदी का देखने को मिला एक्शन, एक साथ 100 सिपाहियों का किया तबादला। जालौन में पुलिस ने 3 साइबर ठग किए गिरफ्तार, कंपनी बनाकर इन्वेस्ट के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस ने भेजा जेल। सोनभद्र में झूठी लूट का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ने हड़पने की नीयत से 5,00,000 की लूट की पुलिस को दी थी सूचना। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया कप्तान, ओपनर स्मृति मंदाना को बनाया गया उपकप्तान, इंजर्ड पूजा वस्त्रकार की हुई वापसी। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप का नाम हुआ नॉमिनेट। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने लगाई बड़ी छलांग, पुजारा और कोहली को हुआ नुकसान।